ये लगभग 25 दिन से हमारी फॉगिंग का कार्य शहर में चल रहा है और लगभग हम 70% के करीब शहर को इसके लिए कवर कर चुके हैं। इस और 70% में कौन कौन सी एरिया आ लिए जी? ये अपना खटीकान मोहल्ला आ लिया, वाल्मीकि मोहल्ला आ लिया, सैनपुरा मोहल्ला आ लिया, इधर करेला बाजार, पड़ाव मोहल्ला, ढाणी मोहल्ला, कुछ शंकर कॉलोनी, कोर्ट परिसर कर दिया है, कुछ एरिया हमने रेल रोड पे भी किया है, मुख्य बाजार कर दिया है। और अभी भी जहाँ जहाँ हमें महसूस हो रहा है, कहीं से लोगों की कॉल आ रही है कि भी हमारे मोहल्ले गली में कराएं, तो हम वहाँ पहुँच रहे हैं। और मैं अभी भी आम जन से अपील करूँगा, जहाँ भी फॉगिंग की ज़रूरत हो हमें कॉल करें, हमारी टीम वहाँ फॉगिंग के लिए पहुँच जाएगी। तो लोगों का रुझान कैसा मिल रहा है, लोग किस तरह से आपका सहयोग कर पा रहे हैं, क्या सिस्टम है? क्योंकि ये तो क्या है कि डेंगू का प्रकोप हमारे शहर में या सभी जगह फैल ही रहा है, तो उसके जो फॉगिंग का जो चल रहा है उससे हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में आस पड़ोस फॉगिंग हो, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी चाहते हैं कि हमारे घर में आस पड़ोस में फॉगिंग हो। इसके फॉगिंग के अलावा लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या सावधानियां बरतते हैं लोग? मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जैसे जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो मेनली से साफ़ पानी में होता है, और वो साफ़ पानी जो हमारे घर के अंदर जैसे कूलर वगैरह है या हम बाथरूम वगैरह जहाँ पानी भर के रख देते हैं, कोई टब वगैरह में दो दो तीन तीन दिन तक रहता है कई बार, या हम पशु पक्षियों के लिए रख देते हैं, पानी बार बार बदलते नहीं है जैसे कहीं पे भी, तो वो पानी बार बार बदले और पानी इकट्ठा ना होने दे, तो क्योंकि लार्वा इसका इसी में पैदा होता है, तो साफ़ पानी तो वो खड़ा ना होने दे। आप काफ़ी एक्टिव हैं, बाकी बात करें प्रशासन की तो प्रशासन इस विषय को लेकर शायद कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं है। हालांकि दो दिन पहले यहां पर बस स्टैंड के समक्ष धूल मिट्टी की सफाई करने के लिए पानी का छिड़काव अवश्य करा था, लेकिन इस तरह की फॉगिंग नहीं करवाई गई थी। प्रशासन से क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं, प्रशासन से तो हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन भी इसमें अपना पूरा हर संभव कोशिश करें कि फॉगिंग या अन्य कहीं पे भी जिस तरह की जरूरत है प्रशासन की लोगों की सेवा करने की। रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमने अभी 25 दिन हो गया मेरी फॉगिंग करते हुए, तो हम चाहते हैं डेंगू मुक्त महेंद्रगढ़ हो, तो अच्छा रिस्पॉन्स है, यहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स है। इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया है, जिनको भी फॉगिंग करवानी है वो हमें कॉल करके भी बुला रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स। अब हमारी 3 दिन की छुट्टी है, तो हम जितना कोशिश कर रहे हैं 3 दिन में भी कवर हो जाए उतना हम करेंगे, कोशिश हमारी 3 दिन की है, बाकी हम लगातार करते रहेंगे तब तक डेंगू का प्रकोप है, तब तक हम करते रहेंगे। रमेश सैनी जैसा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जी जान से लगे हुए समाज की सेवा करें, और मैं तो ये कहूँगा कि हर समाज सेवी को इनके साथ जुड़ना चाहिए और शहर के विकास में भी सहयोग करना चाहिए, और इतने अच्छे लोग मिलने को बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं इस दुनिया में। इन्होंने प्रत्येक घर के अंदर जा रहे हैं और घर के प्रत्येक कमरों के अंदर फॉगिंग कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, ये आए दिनों हर सप्ते फॉगिंग करा रहे हैं जी। यहाँ पे जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है इनके लिए, और हम तो यही चाहेंगे कि भाई ऐसे समाज से भी जो लोग हैं समाज के कार्य के लिए आ गया है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे महेंद्रगढ़ शहर को डेंगू मुक्त करने के लिए हमारे जो समाज सेवी रमेश सैनी जी हैं, ओम साई राम स्कूल के चेयरमैन हैं, इनकी ओर से एक मुहिम चलाई हुई है, और इनकी टीम जो है आज यहाँ खटीकान मोहल्ले में आई हुई है। खटीकान बगीची के पीछे जितने भी ये मकान हैं, पूरा जो मोहल्ला है, ये इनके द्वारा, इनकी टीम के द्वारा आज फॉगिंग की जा रही है। और कल हम इधर इनकी ओर जो टीम है, इनकी ओर से ये महिला विंग कॉलेज और इधर कोर्ट परिसर, इधर जो इलाका है वो पूरा इनकी ओर से फॉगिंग करवाया गया था, और ये गत लगभग 25 दिनों से इनकी जो ये मुहिम पूरे शहर को डेंगू मुक्त करने की चल रही है, और जो जहाँ से भी इनके पास फ़ोन आता है वहीं ये अपनी टीम को तुरंत भेज करके वहाँ पर फॉगिंग करवाते हैं। आम जन से हमारी पुनः एक बार अपील है कि जहाँ भी आपको डेंगू का प्रकोप दिखाई दे, तो हमारे जो फ़ोन नंबर न्यूज़ में दिए हुए हैं, रमेश जी के जो फ़ोन नंबर हैं, जो संचालक है इस टीम के, उनसे सूचना दें उनको, ताकि हमारी टीम वहाँ पहुँच करके जो है समस्या का समाधान कर सके, फॉगिंग कर सके और शहर को डेंगू मुक्त कर सके। जय हिंद।